हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिखर क्लासेस पर। आज की जो वीडियो वो कैलेंडर पर बेस्ड है। अच्छा, कैलेंडर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई कैलेंडर कितने टाइप के होते हैं। कैलेंडर होते हैं दो टाइप के, एक तो साधारण होता है, एक होता है लीप। अच्छा, साधारण में क्या होता है, साधारण में आपको पता होना चाहिए 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन की हो जाती है, यानी कि लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की। आपको पता कैसे करना है, आपको 4 का भाग लगा के देखना है कि भाई वो लीप वर्ष है या नहीं। जैसे मैं कहूँ भाई 2018 लीप वर्ष है या नहीं, तो 4 से भाग लगा के देखो, यानी कि अगर बाद के तो अंक 4 से कट जाते हैं तो वो लीप वर्ष है, वरना नहीं है। तो 4 से डिवाइड करोगे नहीं कटेगा, तो शेष बचेगा, तो इसका मतलब 2018 मेरा क्या है, एक साधारण वर्ष है। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ भाई 2016 में आप 4 का भाग लगा के दोगे तो चला जाएगा, 4 × 5 = 20 और 416, यानी बेसिकली आप बाद के दो अंक में 4 का डिवाइड करके देख लिया करें, अगर कट जाता है तो वो लीप वर्ष है, नहीं तो वो साधारण वर्ष है, ठीक है। अच्छा, बात ये आती है साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं। तो साधारण वर्ष में आपको पता है 365 दिन होते हैं, जैसे ही आप इसमें 7 का भाग लगाओगे तो 52 बार तक तो चला जाएगा और एक दिन क्या होगा मेरा, एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा, यानी 52 तो सप्ताह होते हैं, 52 वीक्स होते हैं और एक एक्स्ट्रा दिन होता है। ऐसे ही आप लीप वर्ष में याद रखो, लीप वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, सब आपको आगे काम आने वाले हैं। अच्छा, और आप देखो एक चीज और बताइए, जैसे पीछे 00 यानी 1800, 1900, 2000, तो इनमें तो भाई सब में 4 का भाग चला जाएगा, क्योंकि ये सारे लीप वर्ष नहीं है, ऐसा नहीं होता है, इन्हें शताब्दी वर्ष बोलते हैं और इनमें हम बेसिकली 4 का ना लगा के 400 का भाग लगा के चेक करते हैं। अगर 400 से वो कट रहा है तो वो लीप वर्ष है, नहीं तो वो साधारण वर्ष है। तो 400 से आप इसे काटोगे तो 00 कट जाएगा, नहीं कटेगा, यानी 1800 मेरा क्या है, 1800 मेरा साधारण वर्ष, ठीक है। तो आप 2000 में भाग लगा के देखोगे 400 का, तो 400 से 2000 कट जाएगा, बेसिकली ये मेरा क्या है, ये मेरा लीप वर्ष है, ठीक है, यानी 2000 कोई पूछता है तो वो क्या है मेरा लीप वर्ष। अच्छा, बात ये आती है भाई कितने तरह के सवाल पूछता है। अच्छा, सवाल में देखो टाइम मैंने लिख दिए हैं, जितने तरह का पूछता है एक एक करके हम उन्हें फिनिश करेंगे। जैसे सबसे पहले वो पूछता है भाई दिन ज्ञात करना। अच्छा, दिन ज्ञात करने वो 5 तरह के सवाल पूछता है। पूछता है कि महीने के अंदर, एक ही महीने के अंदर, मतलब बोल दे भाई 20 जून 2018 को अगर शुक्रवार था तो 25 जून 2018 को क्या होगा, मतलब सन ना बदले। ऐसे ही अगर महीना बदल जाए, महीना बदल जाए मतलब साल ना बदले, और महीना बदल जाए तब पूछेगा कौन सा दिन होगा, साल भी बदल जाए तो क्या होगा। अच्छा, महीना और साल दोनों बदल जाए, अच्छा उल्टा साल हो, मतलब जैसे बोल दी कि भाई 30 जनवरी 2018 को कोई दिन था और 2017 में पूछ लिया। अच्छा, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर बने कि भाई अगर 2 मई 2018 को शुक्रवार है तो 18 मई 2018 को क्या होगा, यानी कि आप देख रहे हो भाई दिन महीना तो नहीं बदल रहा है, ना सन बदल रही है, केवल तारीख बदल रही है। तो आपको देखो इस सवाल को करने से पहले आपको एक बात जरूर समझ आनी चाहिए, कोई दिन कितने दिन बार रिपीट होता है। जैसे मैं बोलता हूँ अगर मानो 5 तारीख को अगर मेरा संडे यानी कि रविवार है तो अगला संडे कब आएगा, तो आपको पता होना चाहिए हर 7 दिन बाद रिपीट होते हैं, तो यानी कि 12 तारीख को क्या होगा मेरा संडे होगा, और अगला संडे कब आएगा फिर 19 तारीख को आएगा, क्यों, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात तो समझ आई होगी। अगला कब आएगा 26 तारीख को, फिर संडे आ जाएगा उसी महीने में, ठीक है। तो इसी तरह से देखो आप इस सवाल को देखोगे कि 2 मई 2018 को क्या था, मेरा शुक्रवार था, यानी 2 तारीख को मेरा शुक्रवार है बोला 18 को, तो देखो आप 7 जोड़ दोगे यानी 9 को भी शुक्रवार आएगा, 16 को भी शुक्रवार आएगा। आपको 18 का पूछा है तो यानी कि 16 के बाद 2 दिन आपको जोड़ने हैं, तो फ्राइडे में जैसे ही आप 2 दिन जोड़ोगे तो शनिवार और आगे क्या आ जाएगा मेरा रविवार आ जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा मेथड ये है, आप देखो 2 मई से 18 मई तक पहुंचने के लिए कितने दिन और चाहिए, तो 18 - 2 कितने दिन और चाहिए मुझे, 16 दिन चाहिए। अच्छा, आप क्या करोगे एक्स्ट्रा दिन फाइंड कर लो भाई कितने हैं, तो 16 में जैसे ही आप 7 का भाग लाओगे 2 बार तो चला जाएगा और 2 दिन मेरे क्या बचेंगे, एक्स्ट्रा बचेंगे, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा। तो बेसिकली आप क्या करो, इन 2 दिन एक्स्ट्रा को ये जो शुक्रवार दे रखा है इसमें आप एड कर दीजिए, तो शुक्रवार में जैसे ही आप 2 दिन एड करोगे फ्राइडे में आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरा संडे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह का देखो एक और सवाल है, सवाल नंबर 2 आज की क्लास का, 6 फरवरी 1997 को और गुरुवार था तो 26 फरवरी 1997 को क्या होगा। बेसिक आप पहले तो इसे करने की कोशिश करें फिर आप देखें। अच्छा, इसमें करेंगे कि आपको पता है भाई 6 फरवरी को गुरुवार था तो 6 में 7 जोड़ोगे 13 को भी गुरुवार होगा, 7 जोड़ोगे 20 को भी गुरुवार होगा और 27 को भी गुरुवार होगा, लेकिन हमें 27 तक तो जाना ही नहीं है भाई, यानी एक दिन पहले जाना है, तो यानी गुरुवार से पहले क्या आएगा मेरा बुधवार आएगा, क्यों, क्योंकि मुझे तो भाई 26 को निकालना, मैं 27 तक पहुंच गया था तो 26 को क्या होगा मेरा बुधवार होगा। अच्छा, आप सेकंड मेथड से ऐसे निकाल सकते हो, 26 में से 6 माइनस कर लो कितने दिन है मेरे पास, 20 दिन है, 20 में आप जैसे ही 7 का भाग लगाओगे तो 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 6 दिन मुझे क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे। तो आप गुरुवार में बेसिकली 6 दिन जोड़ दीजिए। अच्छा, गुरुवार में मैं जैसे ही 7 दिन जोड़ूंगा मुझे पता है भाई गुरुवार आ जाएगा, लेकिन मुझे तो 6 दिन जोड़ने, तो 1 दिन आप पीछे आ जाओ तो यानी कि आंसर मेरा कितना आ जाएगा बुधवार।
आप या फिर 6 दिन जोड़ के देख ले समझे ना, यानी 7 दिन जोड़ दूं तो गुरुवार वापस आ जाएगा मुझे जोड़ने, लेकिन 6 दिन तो एक दिन आप बैक आ जाओ, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बुधवार। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। 31 मार्च अगर 2002 को रविवार था तो 10 अगस्त 2002 को क्या होगा? तो देखो अब क्या हो रहा है इसमें भाई, महीने चेंज हो रहे हैं, तो महीने चेंज हो रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा दिन बस महीनों में निकालना है कितने दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि सन तो चेंज नहीं हो रही है। तो आपको पता है देखो मार्च तो मेरी पूरी खत्म होगी, मार्च में तो कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं बचा क्योंकि 31 मार्च लास्ट होता है, मार्च में 31 दिन होते हैं, अच्छे शुरू होती है अप्रैल, अप्रैल में आपको पता है कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, इसमें आप एक्स्ट्रा दिन निकालो, 7 का भाग लाओ, 728 तक चला जाएगा, 2 दिन कितने आ जाएंगे एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे। मार्च के बाद अप्रैल के बाद आता मई, मई में 31 दिन होते हैं, 31 में 7 का भाग लाओगे 3 दिन एक्स्ट्रा, जून 30 दिन का, 30 दिन का होता है, 7 का भाग लाओगे 2 दिन एक्स्ट्रा, जुलाई 31 का होता है 3 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, हमें अगस्त, अच्छा अगस्त हमें पूरा नहीं जाना है, हमें अगस्त केवल 10 अगस्त तक जाना है, तो आप 10 में कितने का भाग लगाओ 7 का, तो कितने दिन एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे 3, अच्छा सबको जोड़ लो टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए, सबको जोड़ा तो टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए 13 हो गए, अच्छा बेसिकली 13 में आप 7 का फिर भाग लगाइए, 7 का भाग लगाओगे तो 7 एकम 7 चलाएगा, 6 दिन कितने आएंगे एक्स्ट्रा, तो ये जो एक्स्ट्रा दिन आए उसको आप संडे में जोड़ दीजिए, अच्छा संडे में आप 6 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा मेरा सैटरडे, आप संडे में 7 दिन जोड़ लो, संडे में 7 दिन जोड़ोगे संडे वापस आ जाएगा, आपको जोड़ने 6 दिन 1 दिन बैक चले जाओ, तो आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा सैटरडे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आप पहले इसे खुद करने की कोशिश करें अच्छे से। पूछा गया भाई 5 जनवरी 2012 को अगर गुरुवार था तो 8 अप्रैल 2012 को क्या होगा? देखो सन नहीं बदल रही केवल महीना बदलने, तो आपको क्या करना है महीने में एक्स्ट्रा दिन निकाल लो। अच्छा 5 जनवरी में आपको पता है भाई 31 दिन होते हैं, लेकिन 5 जनवरी के बाद मुझे लेना है, तो 31 में से 5 गए, जनवरी में कितने दिन बचे हैं 26 दिन बचे हैं, ठीक है, तो आप 26 दिन इसमें एक्स्ट्रा दिन निकाल लो, 7 का भाग लगाओ 7 से 21 कितने बचेंगे 5 दिन एक्स्ट्रा। अच्छा फरवरी आपको 28 की लेनी है 29 की, वो आप इससे दिखा देखो भाई 2012 मेरा लीप वर्ष होता है साधारण, तो 4 का मैं भाग लगाऊंगा 2012 में तो वो चला जाएगा, 2012 में आप 4 का भाग लगाओगे तो कट जाएगा, इसका मतलब 2012 मेरा क्या है लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में आपको पता फरवरी कितने की होती है 29 की, 29 में 7 का भाग लगाओगे 1 दिन एक्स्ट्रा, मार्च में पहुंचोगे 31 में 7 का भाग लगाओगे 3, अच्छा मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, अप्रैल आपको कहां तक लेना है, अप्रैल आपको लेना है केवल 8 अप्रैल तक, ठीक है, तो 8 में 7 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इन सबको जोड़ लीजिए एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए टोटल मेरे 10, अच्छा भाई 7 बार तो रिपीट हो जाता है 7वें के बाद, तो यार 7वें दिन तो मुझे 10 तो मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, तो 10 में आप 7 का भाग लगा दीजिए, तो 7 एकम 7 कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं अब आपके पास 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, तो इन 3 दिन को आप किसमें जोड़ दीजिए, 3 दिन को आप जोड़ दीजिए गुरुवार में, तो गुरुवार में आप 3 दिन जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरा रविवार, ठीक है। अब देखो सवाल आता है आज की क्लास का सवाल नंबर 5 पे हम आते हैं, अब बेसिकली क्या होगा भाई, बेसिकली होगा इसमें कि भाई जो सन है वो चेंज हो रही है, यानी देखो दिन नहीं चेंज हो रहा है इसमें, ना तारीख चेंज हो रही है ना महीना, यानी 20 जनवरी 2014 को अगर मंडे था तो 20 जनवरी 2017 को, यानी 3 साल बाद आपसे पूछा है कि क्या होगा, तो अब देखो आपको क्या करना है भाई, देखो मंथ का तो एक्स्ट्रा दिन नहीं निकालोगे, क्यों, क्योंकि मंथ तो दोनों एक जैसे हैं, तो आप क्या करें मैं सन का एक्स्ट्रा दिन निकाल लूंगा, अच्छा सन का एक्स्ट्रा दिन आपको देखो ध्यान दो थोड़ा सा, 2014 से 2017 तक पहुंचना है, तो 15, 16 और 17, तो देखो आपको मैंने एक चीज बताई थी भाई साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है 1 होता है, और लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है 2, तो आप 2014 क्या 2014 मेरा क्या है साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2015 भी मेरा क्या है साधारण वर्ष है, तो 2015 में एक्स्ट्रा दिन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अच्छा 2016 में आओगे 2016 तो भाई देखो 4 से कट जाएगा, तो 4 से कट जाएगा तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में कितना एक्स्ट्रा दिन होगा 2 होंगे, अच्छा 2017 में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे 2017 मेरा एक नॉर्मल ईयर है, लेकिन आप ये देखो भाई 2017 मुझे जाना कहां तक है, मुझे तो केवल 20 जनवरी तक जाना है, यानी कि फरवरी तक तो मैं पहुंचा ही नहीं, आप याद रखो जब तक फरवरी उस साल में काउंट नहीं होगी, अगर फरवरी काउंट नहीं होती है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा दिन कितना लेना है 0 लेना है, ठीक है, तो 2017 चाहे लीप वर्ष हो चाहे मेरा साधारण वर्ष हो मुझे एक्स्ट्रा दिन कितने लेने हैं 0, यानी कि फरवरी तक तो हम नहीं गए ना, तो आप देखो टोटल एक्स्ट्रा दिन काउंट कर लीजिए 1 और 1 2 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, यानी कि 4 दिन एक्स्ट्रा दिन, तो आप मंडे में बेसिकली क्या जोड़ दो, मंडे में जैसे ही आप 4 दिन जोड़ोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा शुक्रवार। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, देखो शुरू में कितना था, शुरू में 2014 में हमने 1 लिया है नॉर्मल ईयर, क्यों लिया है क्योंकि देखो शुरुआत सवाल की हो रही है 20 जनवरी 2014 से, यानी कि 2014 में अभी तो फरवरी आना बाकी है, ठीक है ना, तो फरवरी आएगी इसलिए हमने एक्स्ट्रा दिन लिया है, अगर देखो ये सवाल ऐसे होता है कि 31 मार्च 2014 तो 31 मार्च 2014 मतलब फरवरी निकल चुकी है, अगर फरवरी निकल चुकी है तो एक्स्ट्रा दिन फिर मैं 2014 का 0 लेता, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा आपके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे इस सवाल का, इस क्लास का, आप देखो 31 मार्च 2013 को अगर संडे था तो 31 मार्च 2018 को क्या होगा, आप देख रहे हो भाई ना तो दिन बदल रहा है ना महीना बदल रहा है केवल सन बदल रही है, तो आप क्या करो 2013 14 15 16 17 18 तक आप लिख लीजिए,
अब उसके बाद आप देखो 2013 में एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, तो देखो आप पहले तो ये देखो कि भाई फरवरी तो नहीं निकल गई कहीं इस साल की, फरवरी तो निकल गई क्यों, क्योंकि मुझे 31 मार्च से शुरू करना है, फरवरी तो निकल गई ना। तो मैंने बताया जब फरवरी नहीं काउंट करनी पड़ती है तो आप उसमें एक्स्ट्रा दिन उस साल का जीरो लोगे, ठीक है। तो जीरो 2014 साधारण वर्ष एक हो गया, 15वीं साधारण वर्ष एक, 2016 क्या है लीप वर्ष है, तो इसके एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे दो, 17 का भी कितना होगा एक। अच्छा अब 18 में ही हमसे आंसर पूछा है, तो आप 18 को लिखने से पहले आप ये देख लो क्या भाई मैं 18 में फरवरी काउंट हो रही है, तो मुझे तो 31 मार्च तक जाना है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च तभी तो आएगा, मतलब फरवरी इसमें काउंट आपको करनी पड़ेगी। अब आप ये चेक कर लो भाई साधारण वर्ष ही तो है, जब साधारण वर्ष है तो एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे एक हो जाएंगे, इन सबको आप जोड़ोगे तो एक और एक दो और दो कितने हो गए चार और दो कितने हो गए छह, टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए छह, तो संडे में आप बेसिकली छह जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सैटरडे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे अलग टाइप का क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1988 अगर मंडे था तो 10 दिसंबर 1994 क्या होगा, वो आप देख रहे हो देखो इसमें महीना ही बदल रहा है, दिन भी बदल रहे हैं और इसमें साल भी बदल रही है। तो आप देखो बेसिकली क्या करो, आप पहले तो एक्स्ट्रा दिन महीनों में निकाल लो, फिर एक्स्ट्रा दिन आप साल में निकाल लो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं, अच्छा साल में पहले निकाल लेते हैं, तो देखो 1998 से मुझे कहां तक जाना है 1994 तक जाना है, ठीक है। तो 1988 अब देखो आप पहले तो ये देखोगा क्या फरवरी काउंट होगी इसमें 1988 में, नहीं होगी क्यों, क्योंकि मुझे तो 15 अगस्त से शुरू करना है, फरवरी तो निकल चुकी है, तो जब फरवरी निकल चुकी है तो एक्स्ट्रा दिन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अच्छा 89 एक होगा क्यों, क्योंकि साधारण वर्ष है, इसी 90 1 91 एक होगा, अच्छा 92 जो 4 से कट जाता है इसलिए लीप वर्ष है, इसका एक्स्ट्रा दिन कितना होगा 2, 93 का कितना ये होगा एक होगा। अच्छा 94 पे आओगे तो 94 आप देख लो कहां तक जाना है, 94 मुझे आना 10 दिसंबर तक, यानी फरवरी आपको काउंट करनी पड़ेगी तभी तो दिसंबर आएगा, और 94 क्या है मेरा एक साधारण वर्ष है, 4 से 94 नहीं कटेगा इसलिए इसका एक्स्ट्रा दिन कितना हो गया एक हो गया। सबको आप काउंट करोगे टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए 7 हो गए। अभी भाई 7 तो 7 में 7 का भाग तो चला जाएगा, तो 7 एकम 7 पूरी बार चला गया, यानी कि शेष कितना बचा 0, यानी कि साल के एक्स्ट्रा दिन तो मुझे 0 मिल गए। बात आती है भाई महीने में आपको कहां तक जाना है, अगस्त से दिसंबर तक जाना है, ठीक है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, और ये दिसंबर, दिसंबर में भी कहां तक जाना है मुझे केवल 10 तारीख तक। अच्छा अगस्त में आप बताइए कि 15 से मैंने शुरू किया है, अगस्त में टोटल दिन होते हैं 31, तो 31 में से 15 गया कितने दिन बचे मेरा 16, 16 में आप 7 का भाग लगाओ तो कितने दिन एक्स्ट्रा है 2, 30 में 7 का लगाओ, सितंबर में 30 होते हैं ना, तो 7 का भाग लगाओ 2 दिन एक्स्ट्रा, ऐसे ही अक्टूबर में 3 नवंबर में 2 हो जाएंगे, दिसंबर में मुझे 10 तारीख तक जाना है, 10 में आप 7 का भाग लगाओगे, 7 का भाग लगाएगी तो एक्स्ट्रा दिन निकालते हैं, तो कितने दिन एक्स्ट्रा है दिसंबर में 3, सबको जोड़ लोगे टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए 12, 12 में आप फिर 7 का भाग लगाओगे, तो 7 का भाग लगाओगे 7 एकम 7 कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे 5, तो टोटल एक्स्ट्रा दिन देख लो आप महीने में और साल में कितने आए, तो 5 और 0 यहाँ थे, तो टोटल तो 5 ही रह गए, अगर यहाँ पे अगर 2 होते तो 2 और 5 7 हो जाते, फिर भाग लगाते 7 का, लेकिन यहाँ तो भाई 0 आया है साल में, तो 0 और 5 टोटल दिन एक्स्ट्रा कितने हो गए 5, तो 5 को आप बेसिकली क्या करो किसमें जोड़ दो आप मंडे में जोड़ दो, तो मंडे में आप जैसे ही 5 दिन जोड़ोगे क्या आ जाएगा मेरा सैटरडे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। अच्छा इस सवाल में देखो अब क्या है, ये अलग टाइप का सवाल है कि 12 मार्च 2006 को अगर संडे है तो 12 मार्च 2005 को क्या होगा, तो आप देख रहे हो देखो बाद का दे रखा है और पहली का पूछा है, यानी कि रिवर्स, ये टाइप 2 के सवाल हैं जब रिवर्स दे रखा हो, ठीक है। तो आप देखो बेसिकली क्या करो, आपको 2005 से 2006 तक जाना, आप उल्टा ही से सॉल्व करो 2005 और 2006, आप देख रहे हो महीने और तारीख तो एक जैसे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस ये देख लो कि साल में एक्स्ट्रा दिन कितने हैं। तो 2005 में देखो आपको कहां से देखना है, 2005 में आपको देखना है मार्च से, तो मार्च से आपको शुरू करना है, तो आप एक चीज बताइए फरवरी तो निकल गई ना भाई, जनवरी फरवरी मार्च तभी तो मार्च आई है, ठीक है, फरवरी तो निकल गई, 2005 12 मार्च से मुझे शुरू करना है, तो 2005 में जब फरवरी निकलेगी तो एक्स्ट्रा दिन कितना लूंगा मैं 0, 2006 तक मुझे पहुंचना है, तो 2006 तक आप पहुंचोगे, 2006 में कहां तक पहुंचना है मार्च तक ही पहुंचना है, तो 2006 में जैसे ही हम पहुंचोगे 2006, तो जनवरी फरवरी जब पार करोगे तभी तो मार्च आएगा, देखो ध्यान दो 2005 में तो 12 मार्च से शुरू किया है, तो शुरू किया है तो फरवरी नहीं आएगी, और 12 मार्च तक मुझे 2006 में पहुंचना है, इसलिए फरवरी आपको लेनी पड़ेगी उसमें, तो जैसे ही फरवरी आ गई आप ये चेक करोगे साधारण वर्ष है लीप वर्ष है, 4 का भाग लगाओगे नहीं जाएगा, तो इसलिए एक्स्ट्रा दिन कितना हो गया 1, तो टोटल एक्स्ट्रा दिन कितना हो गया 1। अब आप एक चीज बताओ मुझे तो उल्टा निकालना है, तो उल्टा निकालना है तो जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं इसको हम माइनस करते हैं ना कि जोड़ते हैं, ठीक है। तो आप संडे में से 1 माइनस कर दोगे, यानी संडे से 1 दिन पहले जाओगे तो क्या आ जाएगा मेरा सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी भाई इंग्लिश कमजोर है मेरी। आप आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 फरवरी 2018 को अगर सैटरडे है तो 10 फरवरी 2016 को क्या होगा, इसमें भी आपको देखो रिवर्स पूछा है, तो आप क्या करो बेसिकली 2016 2017 और 2018 तक आप इसे सोल्व करो, ठीक है। तो 2016 में आप देखो
2016 में आप देखो कहाँ तक मुझे, कहाँ से शुरू करना है मुझे, 10 फरवरी से। अच्छा फरवरी अभी निकली नहीं है, ध्यान रखो जब तक 28-29 फरवरी ये दोनों दिन ना निकल जाए तब तक हम ये मानते हैं फरवरी अभी आएगी। तो 10 फरवरी, तो 10 के बाद आप जब चलोगे 10 फरवरी के आगे, तो आगे आपको 28-29 दोनों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि अब आप ये चेक करोगे 2016 मेरा लीप है साधारण, तो लीप वर्ष है 2000, क्यों 4 से कट जाएगी तो एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए, 2 हो गए। 2017 तो साधारण वर्ष 1 होगा, 2018 मुझे कहां तक जाना, मुझे जाना केवल 10 फरवरी तक। यानी कि पूरी फरवरी तो पार नहीं हुई है, इसलिए मैं ये मानूंगा कि फरवरी मेरी इस साल में नहीं आई है। जब नहीं आई है तो एक्स्ट्रा दिन कितना हो जाएगा, 0। तो टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए मेरे, 3। तो जैसे ही एक्स्ट्रा दिन हो गए 3, मुझे तो भाई लौट के रिवर्स पूछा है सवाल, तो सैटरडे में से मैं 3 दिन घटा दूंगा तो क्या बचेगा मेरा, सैटरडे में से आप 3 दिन घटाओगे तो आपका आ जाएगा आंसर वेडनेसडे। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया मेरा, वेडनेसडे। भाई नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू करने से पहले देखो अब क्या है इसमें कि किसी भी तारीख का आपको दिन निकालना है। जैसे मानो आज की तारीख दे रखी है, आपसे पूछा है भाई आज कौन सा दिन है, ठीक है। तो आपको देखो ऐसे सवाल करने से पहले आपको कोड जरूर पता होने चाहिए। कोड किस किस के पता होने चाहिए, एक तो महीनों के कोड पता होने चाहिए, एक शताब्दी का कोड पता होना चाहिए। जैसे शताब्दी मतलब जैसे 2018 चल रहा है, तो यानी कि 2000वीं तो शताब्दी हो गई और 18 वर्ष हो गई एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आपको ये शताब्दियों के भी कोड पता होने चाहिए और आपको दिन के भी कोड पता होने चाहिए, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, ऐसे करके आपको उनके भी कोड पता होने चाहिए। सबसे पहले चलो महीने के कोड हम याद करते हैं। तो महीने आपको पता है 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक होता है, ठीक है। तो आपको देखो बेसिकली क्या करना है, जैसे ही आपको दिखे भाई साधारण वर्ष है तो आपको जनवरी फरवरी मार्च, अच्छा इसको आप क्या करो, 3-3 के पेयर में आप इनको डिवाइड कर लो, 144 और 0.25, ठीक है, और आप देखेंगे 0.36 और आप देखेंगे 140। तो देखो याद कैसे होंगे, जैसे 12 का वर्ग होता है 144, तो 144 शुरू के 3 महीनों का कोड हो गया। फिर आप 5 का वर्ग करो, अच्छा 5 का वर्ग करोगे 25 आगे 0 लगा दो, तो 0.25 अप्रैल मई और जून के कोड हो गए। और फिर 6 का वर्ग कर लो 0.36 और फिर 144 जो था ना शुरू में उसमें आप 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 140। तो आप बेसिकली याद रखो कि शुरू में 144 आता, बाद में 146 आता, बीच में 5 का वर्ग आता उससे पहले 0 और फिर उसके बाद आता 6 का वर्ग उससे पहले 0। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी भाई, जैसे ही आपको लीप वर्ष दिखता है यानी 4 से कटने वाला वर्ष दिख जाता है तो शुरू के 2 का कोड बदल जाता है, बाकी के सेम ऐसे ही रहते हैं। तो जनवरी का कोड उस टाइम 0 हो जाता है, फरवरी का कोड उस टाइम 3 हो जाता है। ये तो बात हुई भाई महीनों के कोड की। अब बात आती है भाई शताब्दियों का कोड। तो देखो शताब्दियों का कोड आप अगर याद रख पाओ तो रख लेना, नहीं तो आपको इससे मेथड से मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखोगे। आप देखो शताब्दियों का कोड आपको याद होना चाहिए भाई, 1600 और 2000 का कोड होता है मेरा। बेसिकली जो सवाल पूछता है वो 2000 पे 1900 पे पूछता है, तो आप याद रखेंगे 1900 का कोड तो 0 होता है और 2000 का कोड होता है मेरा 6। और अगर आपको ज्यादा पूछ भी लेता है तो आप याद रखें 1600 और 2000 का होता है 6, 1700 और 2100 का होता है 4, 1800 और 2200 का होता है 2 और 1900 का 2300 का होता है मेरा 0। अच्छा आप याद कैसे रखोगे, याद रखने का ये तरीका होता है कि अगर देखो 400 से भाग लगाने पर जब शेष 0 बचता है तो कोड होता है 6। जैसे कि आप देखो 400 का भाग लगाओ 1600 में चला जाएगा और 2000 में भी चला जाएगा, तो इनका कोड कितना है मेरा 6। अच्छा जब 400 का भाग लगाने पर 100 शेष बचता है तो कोड होता है मेरा 4। देखो 400 का भाग लगाओ 1600 तक कट जाएगा, 100 शेष बचेगा, इसमें भी 100 बचेगा, तो कितना आ जाएगा कोड 4। जब 200 शेष बचता है तो कोड होता है 2 और 300 शेष बचता है तो कोड होता है 0। अच्छा दिन का कोड आप कैसे याद रखोगे, तो कुछ दिन शनिवार से लेके आपको शुक्रवार तक आपके दिन है, शनिवार रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार। अच्छा आप शुरुआत करो या रविवार से, ठीक है, तो रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा 7 तो आप किसी का कोड नहीं लोगे क्योंकि हर 7वें दिन तो दिन रिपीट हो जाते हैं, तो आप याद रखो शुक्रवार के बाद जो शनिवार आएगा उसका कोड आप 0 ले लो। ये मैंने आगे इसलिए लग दिया क्योंकि क्रम से बन जाते हैं 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। तो शनिवार से आप शुरुआत करोगे शुक्रवार तक, यानी कोड 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कोड आपको समझ में आ गए होंगे, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है वो गलत लिख गया, कौन सा दिन था होगा नहीं या होगा जो भी है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो आप देखो एक फॉर्मूला याद रखो इसमें, जैसे कि मुझसे पूछा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो तारीख है वही लिखना है, उसके बाद ये जो महीने का कोड है वो लिखना है, ठीक है, महीने का कोड लिखना है, महीने का कोड लिखना है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो सन दे रखी है इसको आप दो जगह तोड़ोगे, शताब्दी में और वर्ष में। तो 1900 शताब्दी इसका आपको कोड लिखना है, मतलब आप क्या करना है आपको इसके बाद शताब्दी का कोड लिखना है, ठीक है, वो मैंने वहां लिख भी दिया है, शताब्दी का कोड लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो वर्ष है वो पूरा उतारना है, ठीक है, वर्ष है वो पूरा उतारना है। उसके बाद आपको एक काम और करना है, ये जो वर्ष है ना 47,
या जो भी आएगा पीछे, उसमें आपको चार का भाग लगाना है और जितनी बार तक चला जाए उतने नंबर आपको यहाँ लिखने हैं। तो चार का इसमें भाग लगाओगे तो 11 चौक 44 11 तक चला जाए, शेष है उसे छोड़ देते हैं, जितनी बार जाता है उतना ऐड कर देते हैं। उसके बाद कितने का भाग लगाएंगे, 7 का। तो आपको जो मिलेगा वो जिस दिन का कोड होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अब इसे हम सोल्व करते हैं 15 अगस्त 1947 वाले को, तो आप एक चीज बताओ, 15 अगस्त 1947 में आप देख रहे हो, 15 अगस्त 1947 में 15 तो मेरी तारीख हो गई। अच्छा अगस्त का कोड कौन सा होगा, अगस्त मेरा 8वां महीना होता है, तो आप याद रखो 144 है ना, 1-3 का ये हो गया 025 036, तो यानी कि देखो 8वां क्या आ रहा है मेरा 3, तो अगस्त का कोड कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। उसके बाद आप इसे देखो शताब्दी और वर्ष में तोड़ लो तो 1900 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो शताब्दी कौन सी मेरी 1900, तो 1900 और 2000 का मैंने कोड बताया था, इनको आप ऐसे याद कर लो, 1900 का कोड होता है मेरा 0, 2000 का होता है 6, तो 1900 का कोड कितना हो गया 0 हो गया। अच्छा ये जो दो वर्ष होते हैं उनको आपको लिखना पड़ता है, इन वर्ष में आपको 4 का भाग लगाना पड़ेगा, 47 में 4 का भाग लगाओ कितनी बार चला जाएगा 11 बार तक। अब टोटल में किसका भाग लगा दोगे आप, 7 का। अच्छा 7 का भाग भी आप या तो देखो इनको जोड़ लो तब 7 का भाग लगा लो, ऐसे भी तो लगा सकते हो, 7 से 15 काटोगे 7 दूनी 14 एक बचेगा, 3 ही है ही है क्योंकि नहीं जा रहा, मत जाने दो। जब 49 47 में लगाओगे तो 7 6 42 5 बार तक तो चला जाएगा, ठीक है 5 बार तक चला जाएगा, 7 6 बार तक चला जाएगा, बचेगा कितना मेरा यहाँ बचेगा 5, और 7 1 7 यहाँ कितना बचेगा मेरा 4। तो टोटल आप देख लो कितने हो गए, 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 5 कितना हो गया मेरा 9 हो गया, 9 और 4 कितना हो गया 13। तो 13 में आप फिर 7 का भाग लगा दीजिए, अब कितने दिन बचेंगे मेरे पास, बचेंगे 6, क्योंकि 7 1 7 कितने दिन एक्स्ट्रा बचे मेरे 6। तो ये 6 किसका कोड होता है, 6 कोड होता है मेरा शुक्रवार का, ठीक है आपको कोड याद होने चाहिए, 6 कोड किसका होता है मेरा शुक्रवार का। इसी तरह से देखो एक और सवाल देखते हैं, जैसे 28 सितंबर 2018 को कौन सा दिन है, तो 28 सितंबर 2018 को आप बेसिकली देखो क्या करो, इस 2018 को 2018 में तोड़ लो, क्योंकि शताब्दी और सन आपने अलग अलग कर ली। अब देखो आप क्या करना है, आपको जो तारीख है मेरी 28 लिख लिया, सितंबर का आप कोड जाना, 6 सितंबर कौन सा महीना होता है, सितंबर होता है मेरा 9वां महीना है, यानी कि 9वें में कौन आता है, 6 का वर्ग होता है 36, तो यानी कि 6 आ जाएगा पीछे, ठीक है। अब उसके बाद शताब्दी 2000 का कोड आपको पता है 6 होता है। उसके बाद आपको जो वर्ष दे रखी होती है वो लिखनी होती है। अब इस वर्ष में क्या करना पड़ता है, आपको 4 का भाग लगाना पड़ता है, तो जितनी बार तक चला जाता है उतने लिख देते हैं। तो 18 में 4 का भाग लगाओ कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, मैंने लिख दिया कितने का भाग लगा दिया मैंने, 7 का भाग लगा दिया। इन सबको आप जोड़ लेना, 7 का भाग लगाओगे तो देखो जोड़ लो, 6 और 6 12 12 और 28 कितना हो गया 40, 40 और 18 58 58 और 4 कितने हो गए मेरे 62 हो गए, ठीक है 62 में आप 7 का भाग लाओ, 7 8 56 तक तो चला जाएगा, 6 दिन बचेंगे है ना, 7 8 56 तक तो चला जाएगा ना, जो 6 दिन बचेंगे, जो 6 दिन 6 किसका कोड होता है मेरा शुक्रवार का। तो 28 सितंबर 2018 को कौन सा दिन था मेरा, शुक्रवार था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दिन निकालना आपको आया होगा। अच्छा एक सवाल और लेते हैं कि भाई 5 जनवरी 2016 को कौन सा दिन है, ठीक है कौन सा दिन था। तो आप देखो बेसिकली क्या करो भाई, करो कि भाई आप देखो एक चीज और इसमें याद रखें, देखो 5 जनवरी, ठीक है, तो जनवरी आ गया ना, जनवरी और फरवरी आ जाए तो आप थोड़ा सा ध्यान इस बात पे भी दे दिया करें कि ये जो सन है मेरी लीप वर्ष तो नहीं है कहीं, क्यों, क्योंकि आप जानते हो जनवरी और फरवरी के कोड चेंज हो जाते हैं कब, जब लीप वर्ष होता है, यानी कि 144 जो होता है ना वो 0 और 3 हो जाता है शुरू का, यानी जनवरी का 0 बन जाता है कोड और फरवरी का कितना कोड बन जाता है मेरा 3 बन जाता है। तो आपने देखो तारीख लिखी, लिख ली, ठीक है, जनवरी का कोड क्या होगा मेरा 0 होगा, क्यों, क्योंकि जो सन है मेरी वो लीप वर्ष है, मैंने लिख भी दिया लीप है, इसलिए जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 0। अब देखो 2016 को आप 2016 में तोड़ लोगे, 2016 में आप तोड़ लोगे तो 2000 मेरी शताब्दी वर्ष हो गई, 2000 शताब्दी वर्ष का कोड मेरा कितना होता है 6 होता है, 2000 का 1900 का याद कराया था ना 0, और 2000 का कितना होता है मेरा 6, और जो मेरी वर्ष है वो कितनी है मेरी 16। अच्छा आप क्या करोगे, इस वर्ष में आप 4 का भाग लगाओगे तो 16 में आप 4 का भाग लगाओगे तो 4 बार तक तो चला जाएगा, और जितनी बार तक जाता है उतना ही आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। आप क्या करोगे 7 का फिर भाग लगाओगे, इन सबको जोड़ लेना, 7 का भाग लगाओगे तो आपके पास बचेगा 3, और 3 किसका कोड होता है मेरा मंगल का कोड होता है। देखो भाई लास्ट सवाल के सवाल, लास्ट टाइप के सवाल रह गए हैं, उसके बाद कैलेंडर आपका लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है, आप फिर अपनी बुक में से निकालने की कोशिश करना। देखो कैलेंडर की पुनरावृत्ति, कैलेंडर की पुनरावृत्ति का मतलब ये है, जैसे मैं कहूँ भाई 2018 का जो अब कैलेंडर है सेम इसी जैसा कैलेंडर आगे कौन सी वर्ष में पड़ेगा, ठीक है, 2016 का कैलेंडर है जो निकल गया वो आगे किस वर्ष ऐसा ही सेम ऐसा ही कैलेंडर पड़ेगा,
कि भाई इस तारीख को यही दिन होगा, सेम एक से ऐसा, ठीक है ना। तो आप देखो इसमें याद रखो, आपको दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जब भी आपसे लीप वर्ष का कैलेंडर पूछे कि इसकी रिपीटेशन कब होगी, तो लीप वर्ष वाला पूछता है तो आपको बेसिकली उसमें 28 जोड़ना है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ भाई 2016 का कैलेंडर कब फिर से रिपीट होगा, तो आपको पता है 16 में आपको 4 का भाग चला जाता है, यानी कि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो 2016 में आप बेसिकली कितने ऐड कर दोगे आप 28, तो यानी कितना हो जाएगा 2044 का। आप देख भी लेना 2016 कैलेंडर अपने मोबाइल में देख लेना, और 2044 का भी देख लेना, दोनों एक जैसे कैलेंडर होंगे, ठीक है। तो समझ में आया, जैसे ही आपको लीप वर्ष दिखता है आपको टोटली उसमें कितना ऐड कर देना है, 28 ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती भाई साधारण वर्ष वाली के नॉर्मल ईयर वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो नॉर्मल ईयर जैसे कि मैं कहूँ भाई 2018 का मेरा कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2018 का कैलेंडर 18 में आप 4 का भाग लगाओ नहीं जाएगा, यानी कि साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है हर 11 साल बाद, यानी 11 साल आप इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा मेरा 2029, यानी कि 2018 का आप कैलेंडर देखना और 2029 का आप कैलेंडर देखना, एक जैसा आपको कैलेंडर मिलेगा। लेकिन आप देखो आंसर देने से पहले आपको बस एक चीज और याद रखनी, लीप वर्ष में कोई ड्रामा नहीं होता है, लीप वर्ष वाले में आपको केवल और केवल 28 जोड़ने पड़ते हैं, लेकिन साधारण वर्ष में आपको 11 जोड़ने के बाद ये और चेक करना पड़ेगा क्या ये जो मेरा आंसर आया है ये कहीं मेरा लीप वर्ष तो नहीं है। अब आप देख रहे हो कि 29 में 4 का भाग लाओगे ये तो भाई साधारण वर्ष है, तो ये तो मेरा आंसर है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि अगर ये लीप वर्ष आ जाता है तो फिर वो मेरा आंसर नहीं होता है, फिर हम 11 ना जोड़ के उसकी जगह हम 6 जोड़ते हैं। जैसे कि देखो मैं आपको सवाल कराता हूं आपको समझ में आएगा, जैसे देखो मैंने लिख भी दिया है कि भाई साधारण वर्ष में 11 जोड़ने पर अगर लीप वर्ष आता है तो वो आंसर नहीं होगा, तब हम केवल उसमें 6 जोड़ेंगे। जैसे देखो 2016 का कैलेंडर सवाल दे रखा है पहला कि 2016 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो आपको पता है 2016 मेरा एक लीप वर्ष है, इसमें आप 28 जोड़ दोगे 2044 के समान होगा, ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो आंसर हो गया मेरा 2044। अच्छा अगला आप खुद करने की कोशिश करेंगे, 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान हो गया, तो मैंने बता दिया चलो कोई नहीं, तो 2018 आपको पता है मेरा क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, 2018 मेरा क्या है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर में आपको कितना काउंट करना पड़ता है बेसिकली 11, तो कितना आ गया 2029, आप ये चेक कर लो कहीं मेरा लीप वर्ष तो नहीं है, तो नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 2029 सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और देखो, देखो 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो देखो ऑप्शन दे रखे 2011, 2016, 2033, 2012, तो 2005 आप बेसिकली देखो मेरा साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो 2005 में आप 4 का भाग लगाओ नहीं जाएगा, यानी कि साधारण वर्ष आप कितना जोड़ोगे इसमें 11 जोड़ोगे, 11 जोड़ने के बाद आप देख रहे हो 2016 आ गया। अब आप देखो 2016 पे टिक मत करिए ना, आप पहले तो ये चेक करो, मैंने बताया ना जब भी आप साधारण वर्ष का सवाल सॉल्व करो आप जो आंसर आया उसको ये और चेक कर लो कहीं वो लीप ईयर तो नहीं है, तो भाई 2016 तो मेरा लीप ईयर होता है क्योंकि 16 में 4 का भाग चला जाता है, तो लीप ईयर से तो मेरा ये आंसर नहीं है, तब आपको कितना जोड़ना है केवल 6 जोड़ना है, यानी 2005 में आप 6 जोड़ोगे तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 2011, ठीक है। तो देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार वीडियो को बैक कर लें और आप उसे देखें, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो जैसे ही लीप वर्ष का पूछता है, यानी कि लीप वर्ष का मैंने बताया था 2016 कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आपको इसमें बेसिकली 28 जोड़ना है, लेकिन जब साधारण वर्ष का पूछता है कब रिपीट होगा, तो पहले तो आप 11 जोड़ लीजिए, 11 जोड़ने के बाद वो लीप वर्ष नहीं आता तो वो आंसर है, अगर लीप वर्ष आ जाता तो वो हमारा आंसर नहीं है, फिर हम 11 ना जोड़ के उसमें कितना जोड़ेंगे 6। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखो एक सवाल और करते हैं, ऐसे बोल रहा है कि यदि मनोज अपना जन्मदिन 22 मार्च 1993 को मनाता है तो वह इसी दिन अपना जन्मदिन कब बनाएगा, मतलब सेम जैसे 22 मार्च को जो दिन पड़ा था उसी दिन उसका जन्मदिन फिर से किस वर्ष पड़ेगा, तो 1993 आपको पता है भाई क्या है मेरा, 1993 है मेरा एक साधारण वर्ष, तो आप इसमें बेसिकली कितना जोड़ोगे 11 जोड़ोगे, 11 जोड़ने में 2004 आ जाएगा। अब आप ये चेक कर लो कहीं 2004 मेरा लीप वर्ष तो नहीं है, तो 2004 तो वही लीप वर्ष है क्योंकि 044 से कट जाएगा, तो यह लीप वर्ष है तो 11 ने जोड़ के मैं कितना जोड़ूंगा 6, तो 1993 में जैसे ही आप 6 जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1993। तो देखो भाई आज हम लोगों ने एक ही वीडियो में सारा कैलेंडर खत्म किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एकदम यूनिक ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं जो मेरे नोट्स खुद के बने हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अगर पसंद किया वीडियो तो आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।